नरसिंहपुर जिले में शनिवार को शहर सहित जिलेभर के तमाम नगरों में व क्षेत्रों में भगवान श्री परशुराम के जय घोष का नारा गुंजायमान नजर आया। आपको बता दें कि भगवान परशुराम की जयंती पर जिले भर में ब्राह्मण समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय पर भी सनातन युवा ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा की शुरुआत नरसिंह मंदिर में भगवान परशुराम जी के पूजन अर्चना के साथ हुई। तत्पश्चात उक्त शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए दादा धूनी वालों के मंदिर पहुंची, जहां इस शोभा यात्रा का समापन हवन पूजन भंडारा प्रसाद वितरण के साथ किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में विप्रजन उत्साह के साथ मौजूद रहे। नगर में विभिन्न स्थानों पर समाज के सभी वर्गों ने भी शोभा यात्रा के स्वागत के साथ मिष्ठान पेय पदार्थ और फल वितरित किए। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष व सदस्यों के द्वारा होटल वरदान के पास भी शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जहां करणी सेना के सदस्यों ने सर्व ब्राह्मण सभा के सदस्यों को तिलक लगाकर व ठंडा पेय पिलाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। तो वहीं राजपूत करणी सेना महिला इकाई अध्यक्ष व उनकी टीम ने शोभा यात्रा में चल रहे विप्र ब्राह्मणों पर पुष्प वर्षा की। शोभा यात्रा में इस बार विप्र ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा भी शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। आइए देखते हैं पूरी खबर नरसिंहपुर से संदीप राजपूत के साथ। Yeah.